ग्रीटिंग्स एवरीवन, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, और उन मेथड्स में से एक मेथड जो फर्स्ट मेथड है जिसे हम बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी इस मेथड का नाम क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। यानी इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं या डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे चार्ज करते हैं, वो डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे। ये ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, ओरिजिनल कॉस्ट में आता है कॉस्ट ऑफ परचेज, यानी जितने में वो मशीन हमने परचेज की है, प्लस इंस्टॉलेशन एंड अदर एक्सपेंसेस, यानी जब तक वो मशीन या फिक्स असेट यूजेबल कंडीशन में नहीं आ जाती, उस टाइम तक जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसकी कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने मशीन परचेज की 9 लाख की, 50,000 रुपीज उसके कैरिज एक्सपेंसेस हो गए, जिस बहुत बड़े ट्रक में कैरियर में आप उसको उठा के लाए, 50,000 रुपीज उसको इंस्टॉल करने पे, उसका बेसमेंट बनाने पे खर्च हो गए, तो 9 लाख प्लस कैरिज 50,000 प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 50,000, तो ओरिजिनल कॉस्ट हो जाएगी मशीन की 10 लाख रुपीज। यानी ओरिजिनल कॉस्ट में क्या क्या आता है, दोबारा सुन ले ध्यान से, पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ मशीन प्लस अदर एक्सपेंसेस, जैसे कैरेज एक्सपेंसेस हो गया, प्लस इंस्टॉलेशन और इरेक्शन एक्सपेंसेस हो गए, मशीन को सेट करने में लगवाने में जो एक्सपेंसेस होते हैं, इन सभी को ऐड करके जो आती है वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता है। इसी मेथड का नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, मैं लिख भी देता हूं स्टूडेंट्स, इसका दूसरा नाम ये भी है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। यानी इसमें जो डेप्रिसिएशन की इंस्टॉलमेंट होती है, एनुअल डेप्रिसिएशन, याद रखिए, 1-2-3 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं स्टूडेंट, जब हम वर्ड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन तो हम एनुअल डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। यानी हर साल जब तक हम उस मशीन को, उस फिक्स एसेट को यूज करेंगे, हर साल यानी एक साल का जो लगने वाला डेप्रिसिएशन होगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, यानी हर साल पूरे साल का लगने वाला डेप्रिसिएशन इक्वल रहेगा, क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। मान लो एक मशीन पर हम 15% डेप्रिसिएशन लगाते हैं, कितना, 15%, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर हमेशा 15% ही लगेगा जब तक हम उस मशीन को यूज कर रहे हैं। इस तरह से मशीन पर कैलकुलेट होने वाला और लगने वाला डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ईयरली डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हो, इसको ध्यान से देखिएगा। कई बार एमसीक्यूज में या 1 मार्क क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें जो एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो कैसे, ईयरली यानी एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। जिस एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाने जा रहे हो उसकी हमें टोटल ओरिजिनल कॉस्ट कितनी पड़ी, खरीदने से लेकर इंस्टॉलमेंट करने तक के सारे एक्सपेंसेस मिलाकर, माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। हमें यह भी अंदाजा लगाना है स्टूडेंट्स कि जब ये मशीन पुरानी हो जाएगी तो इसका जो स्क्रैप है, स्टील है और आयरन लोहा वगैरह है, वो कितने में सेल हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। यानी यूज करने के बाद इसकी स्क्रैप कितने में बिक जाएगी, इसका एक अंदाजा लगाते हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू की कॉस्ट जो वैल्यू है उसे माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। जो एसेट हमने परचेज की है हमें एस्टिमेट लगाना होगा, जिससे हमने एसेट खरीदी वो भी बताते हैं, और हमें अपना भी एस्टिमेट लगाना होगा कि ये एसेट हमारे यहां कितने दिन काम आ सकती है।
हर एसेट की एक वर्किंग लाइफ होती है, यूजफुल लाइफ होती है, जैसे 5 years, 6 years, 10 years लाइक दैट। तो हमें क्या करना है, देखिए, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। जब ये कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ईयरली डेप्रिसिएशन आ जाएगा। स्टूडेंट्स याद रखिए, क्या आ जाएगा, ईयरली डेप्रिसिएशन। एक बार कर मान लो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 10 lakh और उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी मान लो वो 1 lakh rupees में सेल होगी डिवाइडेड बाय 1 lakh। हमने एस्टीमेट लगाया कि जो मशीन 10 lakh rupees की है और जिसका स्क्रैप 1 lakh rupees में सेल होगा उसकी वर्किंग लाइफ मान लो 10 years होगी, तो 10 से डिवाइड कर दो तो हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आएगा स्टूडेंट्स, रुपीज 10 minus 1 9 lakh हो गया, 9 lakh divided by 10 90,000 rupees। यानी हर साल मशीन की वैल्यू 90,000 rupees कम होगी। ये एनुअल डेप्रिसिएशन है, याद रखना स्टूडेंट्स, पूरे साल का। हमें अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हो वो भी देख लो स्टूडेंट्स, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिसिएशन कितना परसेंट लगेगा मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला देखो स्टूडेंट्स, ईयरली डेप्रिसिएशन यानी एनुअल डेप्रिसिएशन, ईयरली डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। वैल्यूज पुट कीजिए स्टूडेंट्स, एनुअल डेप्रिसिएशन है देखिए 90,000, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है 10 lakh rupees इनटू 100, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 9%। ध्यान से देखिए, इट अमाउंट्स टू 9%। हमने कैलकुलेट किया था, ध्यान से देखें कि एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है 90,000 और जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया तो ईयरली डेप्रिसिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100 ये आता है हमारा 9%। अब 9% किसका स्टूडेंट्स, ओरिजिनल कॉस्ट का। अब देखो ओरिजिनल कॉस्ट का अगर 9% कैलकुलेट करेंगे तो वो 90,000 ही आएगा। ध्यान से देख लें, ये 10 lakh rupees है, 10 lakh का अगर आप 9% कैलकुलेट करते हो, ध्यान से देखिए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, 10 lakh कॉस्ट है इनटू रेट अपॉन 100, यानी अल्टीमेटली जो एनुअल डेप्रिसिएशन आना है वो कितना आना है स्टूडेंट्स, 90,000। ये उतना ही आना है जो हमने पहले ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। ये मैंने आपको हर तरह से कैलकुलेट करके बता दिया। पहले हमने सीधे मेथड से कैलकुलेट किया एनुअल डेप्रिसिएशन 90,000, फिर इसकी हेल्प से हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आया स्टूडेंट्स, 9%। अब हमने इसको क्रॉस चेक किया कि अगर 10 लाख का 9% कैलकुलेट करें तो 90,000 ही तो आएगा। यानी नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या दिया होता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 9%। तो आपका एमसीक्यू एग्जामिनेशन में किसी भी तरह से आ सकता है, आप हर तरह से इसको समझने की कोशिश करें। सो चलिए आगे चलते हैं, हम इसमें हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी जो डेप्रिसिएशन का ओरिजिनल कॉस्ट इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड है इसकी मेरिट्स क्या है। इसके मेरिट्स में देखिए, फर्स्ट पॉइंट सिंप्लिसिटी, मेथड बहुत सिंपल है, यानी कोई भी इस मेथड से डेप्रिसिएशन का अमाउंट इजीली कैलकुलेट कर सकता है। तो दिस मेथड इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इजी टू अंडरस्टैंड, हर किसी को समझाना भी आसान है। सेकंड है देखिए, इक्वालिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन। इस मेथड में आपको अभी बताया था कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो फिक्स रहता है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड इसे बोलते हैं। तो जब डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स रहता है तो हर साल पे जो प्रॉफिट्स पे बर्डन है डेप्रिसिएशन का वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, यानी वो अनइक्वल नहीं है। ऐसा नहीं कभी ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा दिया, कभी हमने कम लगा दिया, नो, यानी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन पर डेप्रिसिएशन का जो बर्डन है वो हर साल बराबर है, इक्वल है। थर्ड पॉइंट देखिए, एसेट्स कैन बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ,
रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि एसेट को बुक्स में हम जीरो शो कर सकते हैं, वो सिर्फ इसी मेथड में पॉसिबल है। सोचिए स्टूडेंट्स, 1 लाख की एसेट खरीदी है और हर साल 1 लाख रुपए उसकी वैल्यू कम हो रही है। ध्यान से सुनो, 1 लाख 10 लाख रुपए की एसेट खरीदी है, 1 लाख रुपए उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो 10 साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा? 10 लाख। यानी 10 साल के एंड में एसेट की वैल्यू बुक्स में हो गई जीरो, जो किसी और मेथड में पॉसिबल नहीं है। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन। यानी जो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, इसमें किसी भी टाइम आप ये पता लगा सकते हैं कि इस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, इस पे एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है, या कई साल का डेप्रिसिएशन एक साथ भी कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे 3 साल बाद आप ये पता लगा सकते हो कि 3 साल पहले ये मशीन कितने में खरीदी थी और 3 साल में इस पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका। कैसे? सोचिए, 1 साल का डेप्रिसिएशन है 1 लाख, तो 3 साल का कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 लाख रुपीज। तो ओरिजिनल कॉस्ट और डेप्रिसिएशन की पूरी नॉलेज कभी भी हो सकती है इस मेथड में। तो ये थे इसके मेरिट्स। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के। स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। वो डीमेरिट्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट देखिए, डिफिकल्टी इन कॉम्पिटिशन। देखिए, जब मशीन हमारे पास, बिजनेस में एक मशीन तो होती नहीं। अगर बिजनेस का साइज इंक्रीज होता जा रहा है और हमारे पास बहुत सारी मशीन हो गई, 10, 15, 20, 25, उस केस में हर मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट, इसे कंप्यूट करना और फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यानी डीमेरिट्स देखें तो इस मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट जब कई सारी मशीन्स हो जाएं तो कैलकुलेट करना डिफिकल्ट रहता है। सेकंड पॉइंट देखिए डीमेरिट्स का, अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। अब इस पॉइंट को कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से समझिएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, हमने जो मशीन खरीदी उससे बेनिफिट तो होने हैं ना, मशीन से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन को हम सेल में कन्वर्ट करेंगे, उससे हमें प्रॉफिट होगा। यानी उसके लिए वर्ड यूज किया हमने इनकम। अब जिस एसेट को हम यूज कर रहे हैं उस पर चार्ज, चार्ज का मतलब क्या है? एक तरह से एक्सपेंस, उस पर खर्च भी तो हो रहा है और उस खर्च को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, याद रखिए। यानी मशीन से होने वाली इनकम और मशीन पे होने वाले एक्सपेंसेस दोनों अनइक्वल रहते हैं। अनइक्वल कैसे? समझिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी, मान लो उससे होने वाली इनकम तो सेम रही क्योंकि उसकी प्रोडक्शन लिमिट तो सेम है ना, लेकिन उस पर होने वाले एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। कैसे? डेप्रिसिएशन तो सेम है, 1-2 साल बाद वो रिपेयर मांगेगी। यानी वो मशीन जब पुरानी होगी तो वेयर एंड टेयर होगा, टूट फूट होगी, रिपेयर मेंटेनेंस होगी। यानी डेप्रिसिएशन और रिपेयर का अमाउंट लगाकर उस पे खर्च तो ज्यादा हो जाएगा मशीन पे, और उससे होने वाली इनकम कंपैरेटिवली कम दिखेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अनइक्वल चार्ज यानी जो एक्सपेंसेस का अमाउंट है वो कम ज्यादा होगा या ज्यादा ही होगा, और इनकम हमारी या तो कॉन्स्टेंट होगी या कम हो जाएगी, एंड दिस इज नॉट जस्टिफाइड। थर्ड पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स। जो ये सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है, थर्ड पॉइंट थोड़ा और इसमें ऐड कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा। अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स, बाद के सालों में, जैसे मशीन 4 साल पुरानी हो गई, उस पे रिपेयर होगा, मेंटेनेंस होगी, टूट फूट होगी, यानी अल्टीमेटली जो मशीन की प्रोडक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी है, वो कम आएगी। आप समझते हैं इस चीज को? सोचिए, आपके पास कोई व्हीकल है, कार है, 4-5-6 साल के बाद वो खराब होनी भी शुरू होगी। खराब होगी तो उसको रिपेयर कराना पड़ेगा, रिपेयर में वक्त लगेगा, जब तक वो रिपेयर हो रही है उसे आप यूज नहीं कर सकते। इसी तरह मशीनों का है, यानी बाद के सालों में जब मशीनें पुरानी हो जाएं, उनसे एफिशिएंसी कम हो जाती है, उनसे होने वाली इनकम कम होती है, लेकिन उन पर एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? उसमें रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस भी है, उसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी है। यानी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और उससे होने वाली इनकम कम हो रही है। इसका मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन पे अनड्यू प्रेशर पड़ रहा है। यानी बाद के सालों में प्रॉफिट इंक्रीज होने की बजाय क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि मशीन से फायदे कम हो रहे हैं और एक्सपेंसेस यानी नुकसान ज्यादा।
इस तरह से समझिए इसको। अब फोर्थ पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। अब देखो आपने 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी, सोचो ये 10 लाख रुपए आप बैंक में डिपॉजिट किए होते या कहीं इन्वेस्ट किए होते तो 8-9% तो इनकम होती ना। उस इंटरेस्ट फैक्टर को इस मेथड में इग्नोर किया गया है। कहने का मतलब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते टाइम जो मशीन की कॉस्ट है उस पर कितना इंटरेस्ट हमें मिलता उसको भी ऐड किया जाना चाहिए, उसके बाद ही डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। फिफ्थ पॉइंट देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट है अनरियलिस्टिक टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट टू जीरो। यानी इस मेथड में हम ये कहते हैं कि वर्किंग लाइफ के बाद मान लो मशीन 10 साल चलेगी, 10 साल के बाद मशीन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। यानी ये अनरियलिस्टिक है, यानी ये रियलिटी से बहुत दूर है। क्यों? आप भी जानते हैं जब कोई फिक्स असेट पुरानी भी हो जाए, मान लो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी वैल्यू जीरो हो गई, लेकिन हो सकता है मशीन तब भी चल रही हो, तब भी हम उससे काम ले रहे हो, तो ये कैसा जस्टिफिकेशन हुआ कि मशीन हमारे काम आ रही है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी वैल्यू हमने जीरो दिखा दी, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ये इस मेथड की डीमेरिट है। अब लास्ट पॉइंट देखें स्टूडेंट्स ध्यान से, डिफिकल्टी इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू। अब स्क्रैप वैल्यू को कैसे डिसाइड करेंगे कि फॉर्मूले में क्या है, देखिए ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। अब 10 साल बाद ये मशीन कितने में सेल होगी, हाउ डू वी नो, इसको एग्जैक्टली हम पता नहीं लगा सकते। इसी तरह मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ कितनी होगी ये भी इजीली पता नहीं लगाया जा सकता, तो ये इस मेथड का डीमेरिट है। हालांकि जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है इसके मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो स्टूडेंट्स इसका मीनिंग, इसके मेरिट, इसके डीमेरिट, हर पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपके पास जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं वो पता नहीं किस तरह से आ जाए, कि आपको स्क्रैप वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन को हर तरह से समझिएगा और ये तभी पॉसिबल होगा जब इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी आप समझेंगे। वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।